नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी टेट के 18 नवंबर 2018 को हुए पेपर में गणित विषय के जो प्रश्न थे उनको हमने आपके लिए कॉन्सेप्ट सहित हल किया हुआ है। तो आप अपने सभी प्रश्नों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं जिनमें जो क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर रहे हैं आपका सही आ रहा है बट उत्तर गलत दिया जा रहा है, तो जो भी डाउट्स हैं यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आगे अपना वीडियो देखें। उसकी सीरीज है डी डी सीरीज का पेपर है और डी सीरीज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 91 नंबर पे दिया है। एक सही 1/2, 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। और इसमें ये पूछा गया था कि ये किसके बराबर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2 को 1 प्लस 1/2, 1 धन 1/2, 11 धन 1/2, 111 धन 1/2, 1111 धन 1/2। ये हमने कैसे लिख दिया, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 5 सही 2/3, तो इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 से 15 दो 17/3, 5 से 15 दो 17/3। और यही चीज अगर हमारी ये लिखी हो 5 धन 2/3, तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से 15 दो 17/3। तो इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि आपका, अब हम इनको जोड़ेंगे 1 11 1 11 111, 1 11 111 और प्लस 1111 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 4 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गया और 1, यानी कि 1234 हो गया। आधा आधा एक, आधा आधा एक, यानी कि 2 ये हो गया। तो आपका आंसर आ गया 1236, यानी कि आपका इसमें 91 पेपर की जो डी सीरीज है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा 1236। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया 1236, 91 का दूसरा ऑप्शन। 92 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें क्या है, ये लॉजिक लगा हुआ है कि ये स्टार का ए और बी में ये रिलेशन बता रहा है कि ये ए और बी में जो स्टार लगा हुआ है इसका रिलेशन ये है। इसी प्रकार हमारा 9 स्टार 10, 9 स्टार 10, ये क्या होगा, तो 9 का वर्ग धन 10 का वर्ग, हम यहाँ पे ए की जगह 9 और बी की जगह 10 लिख देंगे, ए की जगह 9 बी की जगह 10 माइनस 9 गुणा 10, तो हमारा हो गया 9 ने 81, 9 का वर्ग 81 हो गया, 10 का वर्ग हो गया 100 और 9 दाई 90, 81, 100 में से 90 गया 10, 81 और 10 91, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 91। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 93 नंबर पे है, यदि एक्स और वाई शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो, इफ एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
अब यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यूज, चाहे दोनों की पॉजिटिव अगर मान लें, दोनों की अगर हम पॉजिटिव मान लें, मान लो यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे 5 मान लिया, तो हमारी ये सब संख्याएं पॉजिटिव ही रहेंगी, क्योंकि धनात्मक संख्याओं का वर्ग करेंगे तो धनात्मक, धनात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे तो धनात्मक, धनात्मक संख्या का फिर से वर्ग करेंगे तो धनात्मक। कोई अगर हम दोनों को ऋणात्मक मान लें, तो ऋणात्मक मानने पर भी हम इसका वर्ग करेंगे तो -3 इंटू माइनस के 5, और ये प्लस के माइनस के 5 का वर्ग। ये हमने एक्स बराबर मान लिया -3 और वाई बराबर मान लिया -5। तो हम जब इनको रखेंगे तो -3 का वर्ग करेंगे तो 9, -3 और -5 का गुणा करेंगे प्लस के 15, और -5 का करेंगे वर्ग तो आपका हो गया प्लस के 25। यानी कि 25 ये सब पॉजिटिव है, यानी कि अब हमने यहाँ देखा अगर दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं तो भी धनात्मक मान आएगा, दोनों धनात्मक हैं तो धनात्मक मान आएगा ही। इनमें से हम एक को धनात्मक मान लें, एक को ऋणात्मक मान लें, तो 3 का वर्ग प्लस 3 गुणा माइनस के 5 प्लस माइनस के 5 का वर्ग, तो 9 माइनस के 15 और प्लस 25। यहां से हम देखते हैं 25 में से 15 चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो आपका बचेगा प्लस का 10, बराबर बचा आपका 19। यानी कि हम देख रहे हैं एनी कंडीशन कोई भी संख्या अगर नॉन जीरो है, जीरो मान नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका 10, 9, 19 हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया। चाहे हमारी संख्या धनात्मक हो, चाहे टोटली ऋणात्मक हो, चाहे एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो सभी तीनों कंडीशंस में हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हमेशा धनात्मक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है 94। 94 में दिया गया संलग्न चित्र, चार चित्र दिए गए हैं, चार चित्र दिए गए हैं और इन चारों चित्रों में संख्याएं लिखी हैं 4, 3, 7, 1, 6, 3, 2, 5, 1, 4, 8, 7, 15, 2, 6, 6, 5, स्टार 4, 7। तो यहां पे हम देख सकते हैं 4 और 3, 7, 1 और 6, 7, 3 और 2, 5, 4 और 1, 5, 8, 7, 15, 2 और 6, ये यहाँ पे आपका दिया गया था 9, 9, 6, 15, 6 और 5, 11, 7 और 4, 11। तो यानी कि स्टार की जगह आपका कितना आ जाएगा, 11। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए टू दी पावर बी 125, ए की पावर बी बराबर 125, तो उन्होंने मान पूछ दिया है कि बी की पावर ए कितना होगा। तो ए की पावर बी हम 125 को पावर में किस तरह लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और 25 की पावर अगर 2 करेंगे तो वो 625 हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर, ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 में आपका क्या हो जाएगा। उन्होंने और दे रखा है कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या ए और बी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर 5 और बी बराबर 3, हमें मान निकालना है बी की पावर ए का, बी बराबर हमारा है 3 और ए बराबर है 5, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर यानी कि 3 का 5 बार मल्टीप्लाई,
तो 3 × 9 = 27, 81, 81 = 243, और 243 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, 243 आ गया। 243 का मतलब हमारा 95 का आंसर सही हो जाएगा पहला। 96 क्वेश्चन दिया गया आपका, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। 1 से 10 तक की सभी, यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से जो संख्या कट जाए, यानी कि जो भी संख्याएं दी जाती हैं, अगर उन संख्याओं से अगर कोई संख्या कट रही है, उन सभी संख्याओं से कोई संख्या कट रही है, तो वो क्या होता है, लासा होता है। वो क्या होता है, लासा। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं 1 से 10 तक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पे इन संख्याओं का लासा ले लेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे, 2, 3, 2 से फिर काट दिया 5, 3, जो संख्याएं कटेंगी उनको काटेंगे, बाकी की संख्या को नहीं काटेंगे, ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, 9, 5, जो संख्याएं कटेंगी उन्हीं को काटेंगे, बाकी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 थी, 2 से हम काट चुके हैं, अब उससे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 3 है। देखेंगे 3 से कोई संख्या कट रही है, हाँ यहाँ देख रहे हैं, अगर एक भी संख्या कोई कट रही है तो हम काटते हैं। तो यहाँ पे तो 3 संख्याएं कट रही हैं 3 से, हम 3 से काटेंगे, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, जो संख्या कटेगी उसी को काटेंगे, बाकी की संख्याओं को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। फिर से 3 से कट रही है संख्या हमारी, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 5। 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 5, 5 से भी हमारी संख्या कट रही है 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1। हमारी 5 के बाद अभाज्य संख्या है 7, 7 से संख्या कट गई, सब संख्या कट गई। जब हमारी सब संख्याएं कट जाएंगी, तो हमारे यहाँ पे जो भी नंबर्स आए हुए हैं, ये हमारा निकल के आ जाएगा लासा, यानी कि लासा बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो 5 × 7 को हम पहले तो ऐसे कर लेंगे, 5 × 2 = 10, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो और भी आसान हो जाएगा, 7 × 21, 21 × 63, 63 × 2 = 126, 126 × 2 आपका हो जाएगा 252। तो 252 10 से मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा 2520, 2520 का मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही। तो ऐसे हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया कि 97 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 21 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पे जो डेट दे रखी है 4/8/2017, यहाँ से कोई हमें मतलब नहीं है डेट का, हमें कोई भी दिन दे दिए कोई भी, बस हमें दिन, मेरा पॉइंट जो है वो दिन का पॉइंट है कि शुक्रवार हमारा किसी दिन शुक्रवार है, उसके 61 दिनों के बाद, यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा आज के दिन शुक्रवार है, इसके बाद हमारा आएगा शनि, इसके बाद हमारा आएगा रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु और फिर से शुक्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हर 7 दिन बाद हमारा ये दिन आ जाता है वापस लौट के। तो एक नंबर पे हमारा शुक्र है अगर,
एक नंबर पे शुक्र है, तो आठवें नंबर पे यहाँ पे शुक्र हो रहा है, यानी कि हमारा हमारे पास अगर आठ है, कितना, अगर हमारे पास आठ है तो ये हमारा हो जाएगा, सात से भाग दे देंगे, एक शेष बचा, यानी कि हमने पहले दिन को मान लिया एक, माना तो एक आ गया, इसका मतलब हमारा क्या आ गया, शुक्रवार। अब यहाँ पे उन्होंने कह रखा है कि 4 तारीख को शुक्रवार है, यानी कि किसी भी दिन यहाँ पे 4 तारीख को शुक्रवार है, और इसके बाद इसके 61 दिनों के बाद, तो हम 61 में भाग दे देंगे सात का, 7 8 56, शेष बच रहा है हमारा 5। जब हमारा 5 शेष बच रहा है, और उन्होंने ये कहा अगर 61वें दिन का पूछा होता, अगर हमारा ये पूछा होता कि 61वें दिन कौन सा होगा, तो हमारा आंसर अलग आएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा 61 दिनों के बाद, तो 61 दिनों के बाद का हमारा हो गया कि हम देखेंगे आपका 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। अब ये यहाँ पे हमारा 61 दिन हो गए, और इसके बाद का पूछा गया तो हमारा हो जाएगा गुरु, यानी कि बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार का मतलब हमारा ऑप्शन डी सीरीज का ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। 98 क्वेश्चन नंबर, ए बी और सी डी दो हमारी समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी, ए बी समांतर सी डी दो हमारी समांतर रेखाएं हैं, और इनमें कोई दो रेखाएं और खींची गई हैं। ये आपका 110 अंश का कोण है, और ये 22 अंश दिया गया है। ये हमारा 120 अंश का कोण है, ये हमारा एक्स अंश का कोण है, यहाँ एम दिया गया है, एम एन है, और ये हमारा पी क्यू है। तो बहुत ही सिंपल कि एक जो रेखा होती है, एक रेखा, उस रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, एक रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, ये जो भी रेखा होती है यहाँ से, ये पूरा 180 अंश का कोण बनाती है। अगर हमारा ये कोण 120 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा हमारा, 60 अंश का। ये कौन हमारा कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। ये 120 अंश का है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 अंश का। 60 अंश में अब हमारे ये जो दो कोण, दोनों कोण है, ये कोई भी समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है, तो उसके एक और बने कोण हमारे कहलाते हैं संगत कोण। क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो संगत कोण होते हैं बराबर। हमने आपको कोण वाले में, कोण जिसको भी पढ़ना है, वो कोण का वीडियो डाल रखा है, उसमें एक 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 पॉइंट टू पॉइंट उसको विश्लेषण किया गया है, उसको देख देख सकते हैं आप लोग कि संगत कोण जो दिया गया है, ये संगत कोण यानी कि एक्स अंश इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा एक्स अंश का माना गया। इसी प्रकार हमारा यहाँ 110 अंश का कोण है, तो ये हमारा कोण कितने अंश का बन जाएगा, ये टोटल 180 का होता है, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा बन गया ये 70 अंश का कोण। अब हमारे ये दोनों कोण संगत कोण हो गए, ये दोनों कोण संगत हो गए, तो संगत कोण यानी कि वाई अंश बराबर 70 अंश। अच्छा, हमसे मान पूछा गया है वाई माइनस एक्स अंश, मान पूछा गया वाई माइनस एक्स अंश, तो 70 अंश माइनस 60 अंश बराबर हमारा बचा कितना, 10 अंश। 10 अंश का मतलब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। डी सीरीज जो आपकी चल रही है, तो डी सीरीज में हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से और दिए गए। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया है, जिसने भी सेट किया है बिल्कुल आपके लेवल को देख के ही बनाया है पेपर को, बहुत अच्छा पेपर सेट किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 99 नंबर दिया गया है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
विक्रय मूल हमारा दिया गया, विक्रय मूल बराबर 390 रुपए, 390 रुपए पर बेचता है, 20% का लाभ लेता है, लाभ हमारा हो गया 20%। और उसने ये पूछा है कि क्रय मूल पूछा गया है, क्या पूछा है, क्रय मूल। तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, और थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि 390 रुपए में कोई वस्तु को बेचा गया और उसमें 20% का लाभ अगर जुड़ा हुआ है, उसमें 390 रुपए में बेचने पर 20% लाभ जुड़ा है, तो जो भी हमारा वस्तु का रियल मूल होगा वो 100% के बराबर, कोई भी मूल होता है वो 100% के बराबर होता है, और उसमें अगर 20% का लाभ है तो यानी कि ये मूल कितने के बराबर है, 120% के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 20% का हमारा लाभ जुड़ा हुआ है। तो किसी भी मूल्य का 120% कितने के बराबर हो गया आपका, 390 की। जो भी हमारा क्रय मूल होगा उस क्रय मूल पे अगर 20% का लाभ मिल गया तो वो मूल कितना हो गया, 120% के बराबर। तो उस मूल का हमने 120% निकाल लिया, तो ये हमारा हो गया 390 के बराबर। बस क्रय मूल हमने निकालना था, तो 390 बटे में 120, और ये प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत बराबर 1/100। जहां पे भी आपको प्रतिशत लगा मिल जाए वहां पे हम 1/100 लिख सकते हैं, और जहां 1/100 लिखा हो वहां हम प्रतिशत लिख सकते हैं। तो जब हमारा यहाँ प्रतिशत नीचे आ जाएगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके समझने की वजह से, 120/100 बराबर 390 एक्स, ये भाग वाली संख्या है, जब भी तो आपका ये जो गुणा में दिया गया भाग में दी गई संख्या, ये पक्षांतर करेंगे भाग वाली संख्या को तो ये आपकी हो जाएगी गुणा में आ जाएगी, और गुणा वाली संख्या है वो आपकी भाग में आ जाएगी। जीरो से जीरो कट गया, हम यहाँ से आपका काटेंगे, दो से काट दिया, 2 6 12 और 2 5 10, 6 से इसको काट दिया, 6 6 36 बचा 5, 6 5 30। आप हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हासिल 2 और 5 6 30 और 2 32, ये आपका आ गया 325 रुपये क्रय मूल। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में है। 100 नंबर क्वेश्चन था, जनसंख्या दी गई है 60,000, बढ़कर जनसंख्या हो गई 65,000, तो हम यहां पे देखेंगे जनसंख्या बढ़ी कितनी है, बढ़ी जनसंख्या है हमारी, बस हम यही निकालेंगे, बढ़ी जो संख्या है जनसंख्या हमारी वो 5,000 है, और 5,000 जो जनसंख्या है वो बढ़ी कितने पे है, 60,000 पे। तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 5,000 जो जनसंख्या बढ़ी वो हमारी 60,000 पे बढ़ी है, और इंटू 100, तो 1 2 3 ये दो तीन कट गई और ये 0, यानी कि 50/6, 2 से फिर से काट दिया, 25/3, 25/3 का मतलब हमारा हो गया 8 सही 1/3 प्रतिशत, यानी कि इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, तीसरा ऑप्शन हमारा जो आपकी डी सीरीज चल रही है इसका 100 में क्वेश्चन का तीसरा आंसर सही है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, 101 नंबर, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं,
कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? 101 नंबर है। 40 व्यक्ति किसी चावल को, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगता है, कार्य समय और जो घंटे दिए होते हैं, दिन दिए होते हैं, मजदूरी दी होती है, उसमें होता है व्यक्ति गुणा दिन गुणा घंटे बटे मजदूरी और गुणा कार्य। ये हमारा फार्मूला होता है। दो कंडीशंस होती हैं, इस इसी को लेके हम व्यक्ति को एम से डिनोट करते हैं, दिनों को डी से करते हैं और घंटे को आवर से करते हैं, मजदूरी आर रुपए और कार्य डब्लू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है MDH/RW। तो हमारी दो कंडीशन अगर है तो M1D1H1R1W1, दूसरी कंडीशन में हम कर देते हैं M2D2H2/R2W2। अब यहाँ पे हम देखते हैं 40 व्यक्ति 30 दिनों में, अच्छा यहाँ पे घंटे दिए नहीं गए, काम क्या कर रहे हैं कि 20 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, सॉरी 200 किलोग्राम चावल खा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि 30 व्यक्ति कितने दिनों में, मान लिया हमने एक्स दिनों में, कितने किलोग्राम चावल खा रहे हैं? 500 किलोग्राम चावल। हमें एक्स का मान निकालना है, यानी कि एक्स का मान का मतलब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कितने दिनों में, यानी कि डी टू हम सीधा सीधा लिख दें, डी टू दिनों की संख्या पूछी गई है, बाकी का सब हम पक्षांतर कर देंगे। 400 यहाँ पे हम जो भी काटना चाहें, 2 जीरो, 2 जीरो कट गई, 2 दूनी 4, यानी कि 3 6, 6 × 500/30, 30 से इसको भी काट दिया, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, ये हमारा डी टू कितना आ गया, 100। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर। चौथा ऑप्शन 101 का डी सीरीज का चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 102 नंबर। 102 नंबर दिया गया, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर है, एक हमारा सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, सम चतुर्भुज की भुजा कोई भी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ABCD, तो यहां पे हमारा दिया गया 16 दिया गया, 16 सेंटीमीटर, और ये वाला दिया गया 12 सेंटीमीटर। ये AD बराबर 16 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर। यहां पे हम कोई पॉइंट मान लें O, तो यहां से हमारा AO बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और AO बराबर, सॉरी ये आ जाएगा आपका BO बराबर या DO बराबर 8 सेंटीमीटर और ये OC बराबर या CO बराबर 6 सेंटीमीटर। और ये समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो यहाँ पे हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा DC जो कि चतुर्भुज की भुजा है और DO 8 का वर्ग और CO 6 का वर्ग। DC का वर्ग आपका 64, 8 का वर्ग 6 का वर्ग 36, DC बराबर 64 36, 100, 100 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो आपका हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये हमारी, यही हमारी समचतुर्भुज की भुजा है। इससे यानी कि 102 का डी सीरीज का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
103 नंबर। संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चित्र दिया गया है। ये चित्र दिया गया और ए बी सी डी आपका चक्री चतुर्भुज दिया गया। पी क्यू स्पर्श रेखा है, टेंजेंट। और यहाँ पे आपका वृत्त का केंद्र दिया गया ओ। तो यहाँ पे उन्होंने कोण दे रखा है, सी ए क्यू इज इक्वल टू 70 अंश। कोण ए बी सी का मान ज्ञात करो। आपकी एक 10th क्लास में थ्योरम है कि अगर कोई स्पर्श रेखा, यदि कोई स्पर्श रेखा पर किसी चक्री चतुर्भुज का कोई शीर्ष अगर यहाँ पे मिल रहा है, या ये त्रिभुज अगर मिल रहा है, या त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ए सी डी, ये जो भी कोण होगा, यानी कि कोण सी ए क्यू, सी ए क्यू बराबर कोण कोण ए डी सी, सी ए क्यू बराबर कोण डी ए डी सी। अब इस कोण की अगर बात की जाए, ये कोण की, तो इससे क्या हो जाएगा आपका पी ए सी, पी ए सी बराबर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। तो हम यहां से दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा सी ए क्यू दिया गया 70 अंश, ये हमारा 70 अंश कोण दिया गया। अगर हमारा ये 70 अंश का कोण है तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग सी ए क्यू 70 अंश, सी ए क्यू ये हमारा बराबर में दिया गया है, तो ये हमारा 70 अंश हो जाएगा ए डी सी। ए डी सी जब 70 अंश हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज दिया गया ए बी सी डी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर हमारा ये 70 अंश का आ गया, तो अब हमारा इसके सम्मुख कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, यानी कि कोण ए बी सी बराबर 180 में से हम कितना घटा दें, ए डी सी, कोण ए डी सी 180 माइनस 70 बराबर हमारा आ गया कितना, 110 अंश। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 103 नंबर का डी सीरीज का पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि 8 पेन का क्रय मूल 6 पेन की विक्रय मूल के बराबर है तो लाभप्रसत है। इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। यहाँ पे सिर्फ इतना रखना है, बस इतना याद रखना है कि 6 पेन बेचने पर, 6 पेन जब भी बेचे जाते हैं, तो ये जितने में हमने 6 पेन लाए थे, यानी कि मान लो सीधा सा ये कह दें कि 6 पेन बेच रहे हैं और 8 पेनों के बराबर मूल मिल रहा है, 6 पेन बेच रहे हैं 8 पेनों के बराबर मूल मिल रहा है, तो यानी कि हमें 2 पेनों का फायदा हो रहा है। कितने पेनों का फायदा हो रहा है, और 8 पेन 6 पेन बेचने पर हो रहा है, 6 पेन बेचने पर 2 पेन का लाभ हो रहा है, लाभ बराबर 2 पेन। तो 2 पेनों का लाभ हमारा है 6 पेनों पर, क्योंकि हम जो भी निकालेंगे वो क्रय मूल पर ही निकालते हैं। लाभ निकालें वो भी क्रय मूल पर, हानि निकालेंगे वो भी क्रय मूल पर। तो हमने 6 पेनों को जितने में खरीदा था उतने ही रुपए में 6 पेन बेच दिए, तो हमें 8 पेन बेचने के बराबर रुपए मिल रहे हैं, तो यानी कि 2 पेनों का लाभ हो रहा है। तो
तो हम यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि दो पेनों का लाभ जो हो रहा है वो छह पेनों का कितना परसेंट है। तो दो तीन छह, 100/3, 3 3 9, 1 बचा 3 3 9, 1/3%, 35 सही, 1/3%। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, डी सीरीज का हमारा पहला 104 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो यहाँ पे हमें परिमेय संख्याएं, तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है कि इन चार में से कौन सी संख्या इनके बीच में नहीं आती है। तो हम देख लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। 105 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 3/5 और 4/5, 5 से काटेंगे जब इसको तो 0.6 आ जाएगा हमारा, 5 6 30, इसको काटेंगे 0.8 आ जाएगा। हमारी जो पहला ऑप्शन दिया गया 7/10, तो 7/10 का मतलब हो गया मतलब 7। दूसरा हमारा ऑप्शन दिया गया है 19/30, 19/30 का मतलब 3 से काट दिया, तीछंग 18 और 3 3 9, 6/3/10, और 10 से जब हम भाग देंगे 0.3 0.63। तीसरा हमारा ऑप्शन दिया गया था 2/3, 2/3 का मतलब तिछंग 18.18। फोर्थ नंबर पे ऑप्शन दिया गया हमारा 16/30, यानी कि 2 8 16 और 15 2 30, तो 15 से काटेंगे जब हम, 15 से काटेंगे पॉइंट यहाँ पे 80 हो जाएगा, 15 5 75, 15 5 75 बचा 5, 15 3 45, यानी 0.53। अब हम यहाँ पे देखेंगे 6 से लेके 8 के बीच में, ये 7 हमारा 6 से 8 के बीच में आ रहा है, 0.63, यहाँ 6 है ना, 0.63 यहाँ पे आएगा बीच में कहीं पे, 0.66 और इधर आ जाएगा, 0.66, 0.7 इसके आगे आ जाएगा, लेकिन 0.53 है वो इधर आएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो इन दोनों संख्याओं के मध्य में नहीं आता है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल 92 रुपए है। पेन को मान लिया हमने एक्स, एक पेन का मूल एक्स रुपए है, एक पेंसिल का मूल 22 रुपए है और 4 रबर का मूल, यानी कि 1 रबर का मूल 6 रुपए है, और इन टोटल को मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आ रहा है, 92 रुपए। एक पेन का मूल 3 रुपए, एक पेन का मूल एक्स रुपए है, तो 3 पेन का कितना हो गया 3x। एक पेंसिल का मूल 22 रुपए हमने मान लिया, तो 2 पेंसिल का मूल कितना हो गया 2y। एक रबर का मूल हमने मान लिया 6 रुपए, तो हमारा 4 रबर का मूल कितना हो गया 4z। तो टोटल मूल हमारा है 92। अब उन्होंने क्या कहा है कि 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल 68 रुपए है। 8 पेंसिल प्लस 16 रबर का मूल हमारा दिया गया है 68 रुपए। तो पूछा ये गया, तब 24 पेन का मूल कितना होगा। बस हम यहाँ से देख लेंगे कि ये आपके दो इक्वेशन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 8 कॉमन आ रहा है आसानी से, और इसके जैसा बनता है 8, यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो 2y धन ये 8 कॉमन ना लेके हम सीधा इसी की जैसा कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ 2y बचेगा, यहाँ पे 4z बचेगा और बराबर 68। तो 2y धन 4z बराबर, 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 5 2 4 7 28, यानी कि हमारा एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो पहले इक्वेशन में से जब हम दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे, 3x धन 2y धन 4z
दो वाई धन चार जेड घटाने पे हमारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, और इधर हमारा 92 है और इधर हमारा 17 बचा हुआ है, घटाने पर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3x बराबर 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 8 में से 1 गया 7, x बराबर हमारा 75/3 यानी कि 25 आ गया। एक पेन का मूल 25 रुपए है, तो 24 पेन का मूल पूछा गया है। एक पेन का मूल बराबर 25 रुपए, 24 पेन का मूल बराबर, तो कितना हो जाएगा हमारा 24 गुणा 25, तो 25 में 25 में 625 होता है, हमें 24 मल्टीप्लाई करना है, हम 25 चौको 100, 0 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 600 रुपये आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ये हमारा क्वेश्चन था 106, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सीडी जो चल रही है आपकी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोगों को बहुत अभी आंसर सही नहीं कर पाए हैं और इसमें कंफ्यूजन भी है, तो यहाँ हम आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करवाएंगे कि इसमें कौन सा सही है। 107 नंबर में दिया गया है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण, 2 कोण, 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। तो हम यहाँ पे पहले उन ऑप्शन को देखते हैं जिनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2 कोण और 1 भुजा, 2 कोण और 1 भुजा अगर दे दी जाए, 1 भुजा दे दी जाए और उस पर 2 कोण बनाने को दे दिए जाए, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी कोण, 1 भुजा दे दी गई, मान लो 4 सेंटीमीटर की कोई भुजा दे दी गई और इस पे हमें 40 और 50 अंश के कोण दे दिए गए, 40 अंश का हमने कोण इधर से बना दिया, 40 अंश का कोण इधर से बना दिया और 50 अंश का कोण इधर से बनाती हुई रेखा खींच दी, तो ये हमारा 90 अंश का कोण ऑटोमेटिकली बन जाएगा और ये जो कट जाएगा अपने आप, ये त्रिभुज की एक रचना कर देंगे, एक ये त्रिभुज की रचना करेंगे। अगला हमारा दिया गया केवल 3 भुजाएं, तो भाई आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर तीनों भुजाएं दी गई तो त्रिभुज बनना ही बनना है, कोई एक भुजा दे दी गई हमारी 4 सेंटीमीटर की और बाकी की 2 भुजाएं दे दी गई, एक 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से हमने आपका ज्योमेट्री का आपका जो 10th क्लास में दिया गया है, 4 से 5 सेंटीमीटर की कोई भुजा दे दी गई, बाकी की 6 सेंटीमीटर की भुजा दे दी गई, इनको हमने काट दिया, काटने के बाद यहाँ से हम मिला देंगे, ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अगला आपका दिया गया 2 भुजा और उनके मध्य कोण, मान लो 2 भुजाएं दे दी गई और उनके मध्य कोण दे दिया गया, तो 1 भुजा की हमने यहाँ पे निकाल दी 5 सेंटीमीटर मान लो, या 4 ही सेंटीमीटर की, जो हम इसको एक केंद्र मान के चल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर की मान लो कोई भुजा दे दी गई और एक और भुजा कोई दे दी गई 5 सेंटीमीटर की, एक और कोई भुजा दे दी गई 5 सेंटीमीटर की और इन दोनों भुजाओं के मध्य हमें कोण दे दिया गया, मान लो 60 अंश का कोण दे दिया गया, तो 60 अंश का कोण बनाती है हम 5 सेंट, ये रेखा खींच देंगे और इससे हम एक 5 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे और इसको 5 सेंटीमीटर को यहाँ से इससे मिला देंगे, हमारे त्रिभुज की रचना हो गई। अब हमें क्या अपने यहाँ अलग से क्या मिल गया, तो ये आपके यहाँ पे ये तीनों चीजें हो गई। अब इसमें क्या है, अगर हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स में जैसे हमारा ये था ऑप्शन में दिए गए थे केवल 2 कोण और 1 भुजा, 2 कोण और 1 भुजा, तो ये आपका हो गया ए एस ए, 2 कोण और 1 भुजा। अगला दिया है केवल 3 भुजाएं, तो 3 भुजाओं का हमारा बन गया एस एस एस, एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल, और 2 भुजा और उनके मध्य कोण, 2 भुजा और उनके मध्य कोण, तो 2 भुजा और उनके मध्य कोण एस ए एस, ये आपके 3 रूल्स, ये तो आपके रूल्स होते हैं, लेकिन ये कोई रूल्स नहीं होता है कि आपका ए ए और ए, दिस इज नॉट कोई एनी रूल्स, तो आपका यहाँ पे यही हो जाएगा केवल 3 कोण आपका गलत आंसर है, यानी कि केवल 3 कोणों से हम किसी भी त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आपका 108 नंबर क्वेश्चन था,
108 नंबर में दिया गया, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% की तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। कोई भी संख्या होती है अपने 100% के बराबर होती है, तो कोई भी क्षेत्रफल होगा तो वो 100% के बराबर होगा। और हमने कोई भी क्षेत्रफल है 100% के बराबर है और उसकी एक लंबाई में हमने वृद्धि की है, लंबाई में वृद्धि की है 50 की, तो ये यानी कि कितना हो गया हमारा 150। फिर उसके बाद हमने चौड़ाई में वृद्धि कर दी तो हमारी चौड़ाई में वृद्धि होगी यानी कि 20% की, 20% की जब वृद्धि होगी तो हमारा मान हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये हमारा टोटल मान कितना हो गया, तो यहाँ से हम इनको 2 0 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा कितना 15 × 12, 12 × 5 = 60, यहाँ से 6 × 12 = 12, 6 = 180, यानी कि हमारा कोई भी मान था 100, हमारा हो गया कितना 180, यानी कि 80% की वृद्धि, 80% वृद्धि हो गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा है कि इसका इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, जो हमारा मान है 180, 180 वो 100 का मान लिया हमने एक्स गुना है, कितना गुना है 100 का एक्स गुना है कितना 180, तो एक्स हमारा जो 180/100, 0 0 कैंसिल, 2 से काट दिया, 2 × 18, 2 × 5 = 10, यानी कि 9/5 हमारा सही बटे में इसमें दिया गया, तो 5 × 5 बचा 4/5, यानी कि इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर, ये सीरीज जो डी चल रही है आपकी, डी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपका 109 नंबर, ये साइंस का क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सी है, फारेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना होगा। तो सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सी है, यानी कि सी बराबर दिया गया, आपका जो मान दिया गया, हमारा एक फार्मूला होता है चेंजिंग फार्मूला, जो C − 0/100 = F − 32/180, ये 0 क्या है, जो सेंटीग्रेड पैमाने का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है और अधिकतम होता है 100, तो ये आपका होता है न्यूनतम 32 और 180, तो ये इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, सी का मान हमारा दिया गया 37 डिग्री सी बटे में 100 बराबर F − 32/180, यहाँ से हम काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 18, 9 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 9 × 37, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5F − 5 × 2 = 10, हासिल 1, 5 × 15 = 16, 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 × 7 = 63, हासिल 6, 9 × 3 = 27, 6 = 35, और माइनस के इधर आ जाएंगे वो हो जाएंगे प्लस के, तो ये हमारा बचेगा 5F, इनको जोड़ेंगे 3 0 3, 6 3 9, 3 और 1 = 4, और 5 जो गुणा में था हमारा भाग में आ जाएगा F, 5 से जब हम भाग देंगे 5 × 45, यहाँ बचा हमारा 4, 5 × 8 = 40, बचा हमारा 3, 5 × 1 = 30, यानी 98.6, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 109 नंबर का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, सॉरी ये हमारा थर्ड नंबर पे दिया गया है, 98.6 डी सीरीज में हमारा थर्ड नंबर पे दिया गया है। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक सौ दस नंबर पे दिया गया कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट 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 प्लस 9 का वर्ग बराबर मान दिया गया 285। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया 011 का होल स्क्वायर प्लस 022 का होल स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 099 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये देखने को मिल रहा है कि इसको हम इस तरह से कैसे बनाएंगे, तो 0.11 × 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.11 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 0.11 × 2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू, इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा 0.11 × 9 का होल स्क्वायर।
जब ये हमारा होल स्क्वायर आ गया तो ये हमारे अलग अलग हो जाएंगे, 0.11 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0.11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। प्लस ये आपका डॉट 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 प्लस 0.111 का होल स्क्वायर अलग और 9 का स्क्वायर अलग, इन सबसे हमारा कॉमन आ रहा 0.11 का होल स्क्वायर। अंदर हमारा बच रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। हमारा 0.11 का स्क्वायर जो दिया गया है, 0.11 का स्क्वायर हम 121 हो जाएगा, 2 अंक दशमलव है इसका, जब हम वर्क करेंगे 4 अंक दशमलव लगेगा। और इसका मान हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया 285। 285 का इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हम करके रखेंगे तो ये 3.4485, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का, और 4 अंक दशमलव लगाए, 4 अंक दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 110 नंबर का पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, समय 10 वर्ष में, कोई भी राशि अगर 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है यानी कि पी से 2P हो रही है, तो यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है हमें, साधारण ब्याज पी मिल रहा है, तो हम फार्मूला लगा देंगे, ये हमारा डायरेक्टली साधारण ब्याज बराबर, यानी साधारण ब्याज हमारा पी हो गया, मूलधन पी है, समय 10 है, आर हमारा पता नहीं है, बटे में 100, मूलधन गुणन दर गुणन सॉरी मूलधन गुणन दर और गुणा समय बटे 100, 10 से 10 कट गया, पी से पी कट गया, यानी कि आर हमारा आ गया 10%। जब आर हमारा 10% आ गया तो उन्होंने ये पूछा है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज से तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी जब होगी तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 2P, यानी 3 गुनी हो जाएगी, तो 2P ब्याज हो गया, 2P ब्याज हो गया, पी मूलधन हो गया और दर हमारी दी गई है 10, तो समय पूछा गया है बटे में 100, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 10 दूनी 20, ये हमारा एन आ गया। ये तो हमारा मेथड्स हो गया, अगर हम इसको डायरेक्टली लगाना चाहें तो कितना हो जाता, पी राशि जो है वो 10 वर्ष में 2P होती है, यानी कि 10 वर्ष में, 10 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, पी रुपए। तो अगले 10 वर्ष में, अगले 10 वर्ष में फिर से ब्याज मिल जाएगा पी रुपए, तो 2P हमारा हो जाएगा 3P, यानी कि पी से हमारा ये हो गया 3P, यानी कि 10 और 10 20 वर्ष में हो गया। हम इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, दो तरीके हो गए इसके। नेक्स्ट, तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 20 बार। 112 नंबर दिया गया, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाए, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका 112 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, एक वृत्ताकार वृत्ताकार पार्क है, इसके अंदर वर्गाकार वर्गाकार एक मैदान बना हुआ है, इस टाइप का एक मान लेते हैं, ये बन गया ABCD, 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार, व्यास इसका है 80 मीटर, यानी कि हम इन कोनों को अगर मिला दें और ये यहाँ पे केंद्र से होके जाएगा तो ये हमारा व्यास हो गया 80 मीटर। 80 मीटर जो व्यास हो गया, अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, तो ये विकर्ण भी है, वृत्त के लिए ये व्यास है और वर्ग के लिए ये विकर्ण है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 2, और विकर्ण हमारा दिया गया 80, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 80 बटे अंडर रूट 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर,
और भुजा हमारी देगी 80 बटे अंडर रूट दो। 80 बटे अंडर रूट दो का जब हम वर्ग करेंगे तो 8 बट 64 बटे अंडर रूट दो का वर्ग दो, यानी कि 3 2 3200 मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया है, पाई आलेख में इसका संगत कोण है। तो 113 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, 52 अंक 240 में से प्राप्त कर रहा है, तो ये 52% जो है, जो 52% है, ये 52 अंक जो है 240 का कितना परसेंट होगा। सबसे पहले तो हमें इसको निकाल दिया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 6 24, यानी कि 130/6 और काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 65/3। ये 65/3% हो गया, कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 65/3। अब किसी किसी ने ये किया है, किसी को ही जब काट दिया तो ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2/3, यहाँ तो ये तो आपका परसेंटेज निकल के आया है। उन्होंने ये आंसर आपको गुमराह करने के लिए ये यहाँ पे डिग्री लगा दिया, ये आपका परसेंटेज आया। उन्होंने आंशिक मान पूछा है, जो पाई चार्ट पूछा गया है, पाई चार्ट ये होता है, जैसे मान लो कोई पूरा 240 है, 240 में से ये आपका परसेंटेज दिया गया है, इतना परसेंट 52 अंक उसने प्राप्त किए हैं। पाई चार्ट में क्या है कि हमें आंशिक मान बताना है, ये जो 360 का 65/3% कितना होगा, तो 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 13 5 65, 6 से काट दिया, 13 6 78 डिग्री, 78 डिग्री आ गया। 78 डिग्री का मतलब 113 का आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही। आगे के और क्वेश्चन रह गए हैं, 114 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि पी का पी प्रतिशत 36 हो, पी का पी प्रतिशत 36 है, तो पी का मतलब गुणा पी, हमने बताया था कि प्रतिशत जहां भी लिखा है उसको हम क्या लिखते थे, बटे में 100, ये 36, तो पी स्क्वायर बराबर 3600, पी बराबर 3600 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल 10, तो आपका ये कितना आ जाएगा 60, पी का मान आ गया हमारा 60। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 114 का फोर्थ नंबर सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है 115 नंबर, 115 नंबर में दिया गया कि 2352 बराबर 2 की घात x गुणा 3 की घात y गुणा 7 की घात z। अच्छा, इनको हम 2352 है, 2 की गुणा x, 3 की गुणा y, 7 की गुणा z, इनको हमें क्या करना है कि गुणनखंड के रूप में ही कर लेना है। अब जब तक तो गुणनखंड के रूप में नहीं करेंगे तो हम इनको घातों के रूप में कैसे बना पाएंगे, तो 2352 बटे ये हमारा गुणनखंड करना है, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काट दिया, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे तो 2 2 4, 2 9 18, 2 6 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 8, 2 7 14, अब हम 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 6 12, 5 2, 3 9 27, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। अब यहाँ पे आपके 2 कितने आ रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा 2352 के बराबर ये लिखा हुआ है 2 की पावर x, अब हम 2352 को क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, 2 की घात x, 3 की घात y और 7 की घात z। तो हम तुलना करेंगे, x बराबर 4, y बराबर 1 और z बराबर 2। मान उन्होंने पूछा था हमसे x प्लस y प्लस z का, तो 4, 1 और 2 कितना आ जाएगा 7। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 7 का मतलब तीसरा ऑप्शन, जो डी सीरीज का है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 116 नंबर में दिया गया कि 100 के समभाजकों की संख्या होगी, तो 100 के समभाजकों की संख्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सम का मतलब सम संख्या है, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं होंगी, और भाजक का मतलब होता है कि जिन संख्याओं से दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए उसको भाजक कहते हैं। तो ये 100 के समभाजक पूछे गए हैं, तो सबसे पहला 100 का समभाजक 2 हो जाएगा, इसके बाद 4,
क्योंकि 2 से भी ये कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, और उसके बाद आपका 10, इसके बाद आपका 20, इसके बाद आपका 50। किसी किसी ने तो यहीं तक किया है, 2, 4, 10, 20, 50। लेकिन होता क्या है, कोई भी संख्या होती है तो वो स्वयं की भाजक होती है, तो 100 भी भाजक है और सम भी है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके 6 समभाजक होंगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2। दूसरा ऑप्शन जो आपकी सीरीज डी चल रही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला आपका दिया गया 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो घनों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन। यानी कि बड़ा बड़ा घन का आयतन है, और उस बड़े घन के आयतन में हमने छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटा घन है, तो ऐसे छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं? तो बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है? 15। और घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यू। छोटे घन की भुजा दी गई 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यू, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे में 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 25, 5 125 घन। कितने घन बनाए जाएंगे? 125 घन। तो इस हिसाब से आपका हो गया ऑप्शन नंबर एक सही, ऑप्शन नंबर एक सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, 118 नंबर में दिया गया 3 की घात 1989, 3 की घात 1989 में 7 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो 7 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो हम इसमें ये करते हैं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही छोटी सी ट्रिक ये लगाते हैं कि विषम संख्याओं की घात लगी है। तो पहली विषम संख्या हमारी कितनी है? पहली विषम संख्या 1, तो 3 पे घात हम 1 लगा लेंगे। कितनी लगा लेंगे? 3 पे घात 1। अच्छा, 3 पे घात 1 लगाने से हमारा 7 का भाग नहीं जा रहा, तो हम इसमें और दूसरी विषम संख्या ले लेंगे। तो 3 पे घात हमने कितनी ले ली? 3। तो 3 पे घात 3 में हम 7 से भाग देंगे, 3 3 9 27, 27 में हम 7 से भाग देंगे, तो 27 बटे 7, 7 21, 7 21 शेष हमारा बचा कितना? शेष 6। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 118 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है। 119 नंबर, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यहाँ पे हमारा सम बहुभुज ये जो दिया गया है, सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 अंश बराबर हमारा दिया गया 2160। जहां एन क्या है? जहां एन भुजाओं की संख्या है। तो n-2 बराबर 2160 बटे 180। 0 0 कट गया, 6 से काट दिया, 6 3 18, और 6 3 18 और 3 बचा 6 36 और काट दिया, सॉरी 6 6 का 36, तो 3 से काट दिया, ये आपका आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, n-2 बराबर 12, n बराबर हमारा आ गया 14। यानी कि 14 हमारा कितना हो गया? 14। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। अब इसमें ये आपका दिया गया 120, सबसे छोटी ऋणोत्तर आवाज पूर्णांक है, यानी द लीस्ट नॉन निगेटिव प्राइमर इंटीजर्स। नॉन निगेटिव यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होने का, और सबसे छोटा निगेटिव ना हो, सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 120 का पहला नंबर। डी सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, इसमें पूरा एक एक आपको डिस्क्राइब किया गया, तो इसको